हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लर्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम सूट या ब्लाउज पर आगे साइड की डिजाइन बनाने जा रहे हैं। ये ब्लाउज पर भी बहुत खूबसूरत लगता है ये डिजाइन, पर हम यहाँ पर कुर्ती में बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने कुर्ती को पहले डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर देखिए हमने 3 इंच पर निशान लगा लिए हैं और नीचे भी हम 3.5 इंच पर निशान लगाए हैं। पहले यहाँ पर हम बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से बॉक्स बना लिया है और यहाँ पर नीचे 2.5 इंच पर हम निशान लगाए हैं और यहाँ से हम कुछ इस तरह का शेप दिए हैं और अब हम इसे काट लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे काट लिया है इस तरह से और आगे देखिए हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए, हम पहले नेट के कपड़े को अच्छी तरह से फैला लिए हैं और इसके ऊपर हम कुर्ती के अस्तर के कपड़े को फैलाएंगे। कुर्ती के अस्तर के कपड़े को हम अच्छी तरह से यहाँ पर फैला लिए हैं और जगह जगह पर पिन अटैच कर लेंगे। ये देखिए, हम इस तरह से पिन अटैच कर लिए हैं और अब हम पूरे गले पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए, हम पूरे गले पर सिलाई लगाएंगे। इस पैटर्न के चारों तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है अच्छी तरह से और बीच के कपड़े को काट कर यहाँ पर हम निकाल लेंगे। ये देखिए, हम बीच के कपड़े को भी काट कर निकाल लिए हैं। हल्का हल्का कट हम पूरे गले पर लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, हमने हल्का हल्का कट पूरे गले पर लगा लिया है और अब हम इसे पलट लेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर हम पलट लेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर पलटने के बाद हम कोने को पिन से निकालेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से पलट लिया है और कोने को पिन से निकाल लेते हैं और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने कोने से निकाल लिया है, दोनों साइड के कोने इस तरह से हमने निकाल लिया है। ये देखिए, और अब हम ऊपर से गले की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए, हम अच्छी तरह से ऊपर से गले की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने गले की सिलाई लगा लिया है अच्छी तरह से और यहाँ पर देखिए, हम कुछ मोती लिए हैं और इसके एक कोने में हम हल्का सा धागा लगा लेंगे और उसके बाद बीच में मोती डालते हुए दूसरी तरफ से धागे से जोड़ लेंगे। तो देखिए, हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पसंद आने पर लाइक ज़रूर करिएगा।